नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं शाला दर्पण पर सत्र 2022-23 के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तक की जो मांग है वो किस प्रकार करें जनरेट। साथ ही हम आपको बताएंगे कि जो विद्यालय समायोजन जो बुक्स है वो हम किस प्रकार से करेंगे। साथ ही जो थर्ड लैंग्वेज और वैकल्पिक विषय है उसका भी हम एंट्री करना बताएंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं जो शाला दर्पण का मेन पृष्ठ है वहाँ हम आ चुके हैं। अब हमको जो विद्यालय लॉगिन है वहाँ जाना है, तो लॉगिन प्रोसेस आप सभी को आता है। यहाँ हम लॉगिन करके आ चुके हैं। जो स्कूल मांग प्रविष्टि है 22-23 की, उससे पहले कुछ अन्य कार्य भी मुख्य हैं, जैसे विद्यालय में संचालित पुस्तकों का चयन करना है। सबसे पहले तो यह चयन होगा, उसके बाद में वर्कबुक विद्यार्थी वितरण यदि नहीं हुआ है तो वो भी करना होगा, विद्यालय स्टाफ का समायोजन यदि नहीं हुआ है तो ये दोनों एंट्री हमको पहले देख लेनी है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि संचालित पुस्तकों का चयन किस प्रकार से होगा। तो इसमें जो मुख्य नोट है ये आप पढ़ लीजिएगा, और यहाँ देखिए जो क्लास ग्रुप है यही सिलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले तो 1 से 10 सिलेक्ट कर लेंगे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ व्यू और सेव प्रोफाइल या एडिट प्रोफाइल, यहाँ सेव बुक, कौन कौन सी बुक्स हमारे विद्यालय में चलती है तो उनका सिलेक्शन यहाँ किया जाना है। जैसे ही ओपन होता है हमारे विद्यालय में कक्षा 1 से लेकर 12 तक की जो भी पुस्तकें चलती हैं उनका हम सिलेक्शन कर लेंगे। जैसे डिमांड लॉक्ड फॉर 22-23 सेशन, यहाँ 9 है, और बुक मैप्ड फॉर 22-23 सेशन, यहाँ जैसे हमने यहाँ मैप कर लिया है इस बुक को तो यहाँ यस आ गया है। तो इस प्रकार से ये कार्य करना पड़ेगा। यदि इसमें कुछ बदलाव करना है तो आप अपडेट कर सकते हैं प्रोफाइल को। उसके बाद में जो होने वाला कार्य है वो है अपना वर्कबुक विद्यार्थी वितरण, हम एक बार चेक कर लेंगे, यदि नहीं हुआ है तो कर लेंगे, कोई सी भी क्लास सिलेक्ट कर लेंगे चेक करने के लिए कि ये हमारा सारा कार्य हो चुका है या नहीं हुआ है, पेंडिंग तो नहीं है कुछ। जैसे ही हम इसको सिलेक्ट करेंगे गेट डाटा, यहाँ देखिए टोटल स्टॉक अवेलेबल हिंदी 0, यहाँ स्टॉक में कुछ नहीं रहना चाहिए, सब कुछ जो सारी वर्कबुक अवेलेबल करवाई ही है पीओ स्टाफ द्वारा वो सारी की सारी हम यहाँ वितरित कर देंगे, 100% यहाँ वितरण दिखा देंगे जिससे कि कुछ शेष नहीं रहे। उसके बाद में दोबारा चलेंगे हम निःशुल्क पाठ्य पुस्तक विद्यालय स्टाक समायोजन। तो गत सत्र 2021 मांग लोक के पश्चात स्टॉक में से जो शेष विद्यार्थियों की वितरित पुस्तकों की संख्या ऑफलाइन है वो हमको यहाँ माइनस होगी। गत सत्र 2021 से प्राप्त लौटाई गई जो 50% पुस्तकें हैं कक्षा 3 से आगे के लिए वो हमको यहाँ लेस करनी है। उसके बाद में जो मांग है वो जनरेट होगी। तो यहाँ देखिए जो पुस्तकें हैं उनको हमको भरना है। यहाँ देखो कि गत सत्र मांग उपरांत शेष अवितरित पुस्तकें, यहाँ 3 हैं, मांग लोक के पश्चात स्टॉक में शेष पुस्तकें 0, गत सत्र की अंतिम अवितरित पुस्तकों का स्टॉक ए माइनस बी, ये ए है और ये बी है, इसमें से ये लेस हो जाएगा तो हमारे पास ये आ जाएगा। उसके बाद में जो विद्यार्थियों द्वारा 50% जो पुस्तकें हैं वो लौटा दी गई है तो इसको लेस कर देना है यहाँ से। उसके बाद में सी और ये डी वाला जो कॉलम है विद्यार्थियों से प्राप्त लौटाई गई पुस्तकों
के अतिरिक्त स्टॉक में जो वितरण योग्य पुस्तकें हैं ये दोनों जोड़ के सी प्लस डी ये कर लेना होगा। तो ये अपडेट कर लेंगे, जो भी हमारा रिकॉर्ड होगा वो स्टॉक रजिस्टर से हम यहाँ मेंटेन कर देंगे। उसके बाद में जो मुख्य कार्य है वो हमारा जो मांग प्रविष्टि है, स्कूल मांग प्रविष्टि 22-23 की, तो यहाँ से देखिए, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक विद्यालय स्टॉक रजिस्टर से प्रारंभिक स्टॉक, वितरित स्टॉक और अंतिम शेष का मिलान करके, सत्यापन करके, बुक स्टॉक एंट्री से मिलान करके यहाँ स्कूल डिमांड में लॉक कर देना है, अन्यथा गलत मांग जनरेट होने में संस्था प्रधान जिम्मेदार होगा। 17-22-23 के लिए विद्यालय मांग लॉक करने से पूर्व विद्यालय में संचालित कक्षा कक्ष व अध्ययनरत विद्यार्थियों के अनुसार पोर्टल पर पुस्तकों का चयन सावधानी पूर्वक कर ले, जो मैंने पहले बताया है सिलेक्शन बुक्स का सिलेक्शन नहीं करेंगे तो भी मांग जनरेट नहीं होगी। नए सत्र की डिमांड जनरेट करने से पहले 6 से 10 तक के विद्यार्थी जो थर्ड लैंग्वेज है 7A में वहाँ भी अपडेट कर दें, अन्यथा जो तृतीय भाषा है उसका जो नामांकन कक्षा के कुल नामांकन के अनुरूप प्रदर्शित नहीं होगा। उसके बाद में 11-12 में अध्ययनरत जो विद्यार्थी वार जो वैकल्पिक विषय है उसकी भी मैपिंग 7 में प्रपत्र 7 में की जानी है। उसके बाद में जो कक्षा 1 से 8 के समस्त विद्यार्थियों की तथा 9 से 12 के समस्त छात्र छात्राओं, अनुसूचित जाति जनजाति जो निःशुल्क पाठ्य पुस्तक विद्यालय स्टॉक रजिस्टर से प्रारंभिक स्टॉक, वितरित स्टॉक और अंतिम शेष का मिलान करके सत्यापन पोर्टल पर स्कूल स्टॉक एंट्री से करके जो स्कूल डिमांड है उसको लॉक किया जाना है, अथवा गलत डिमांड जनरेट हो जाएगी तो संस्था प्रधान जिम्मेदार इसके लिए होंगे। 17-22-23 के लिए विद्यालय मांग लॉक करने से पूर्व विद्यालय में संचालित कक्षा और अध्ययनरत विद्यार्थियों के अनुसार पोर्टल पर पुस्तकों का चयन टेक्स्ट बुक प्रोफाइल में सावधानी पूर्वक कर ले, संचालित पुस्तक का चयन नहीं किए जाने पर भी मांग जनरेट नहीं होगी। उसके बाद में तीसरा जो बिंदु है, नए सत्र की डिमांड जनरेट करने से पहले 6 से 8 के विद्यार्थी की जो थर्ड लैंग्वेज है उसकी मैपिंग 7A में कर ले, और 11 से 12 के जो विद्यार्थी है उनका वैकल्पिक विषय उसकी मैपिंग कर लें, 1 से 8 के जो विद्यार्थी है तथा 9 से 12 के विद्यार्थी जो है SC/ST और जनजाति के जो समस्त छात्र जिनके माता पिता आयकर नहीं देते हैं तो इसकी प्रविष्टि 9 पर जो प्रपत्र 9 है उसमें कर दें, और निःशुल्क जो पाठ्य पुस्तक है उनको वो दी जाएगी। 17-22-23 के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तक की मांग के आकलन के आधार पर 3 से 10 और 12 के लिए शैक्षिक सत्र 20-21 में पंजीकृत कक्षावार विद्यार्थी संख्या को आगामी कक्षा में मांगते हुए ये जनरेट हो जाएगी। 1 व 2 की मांग शैक्षिक 19-20 पंजीकृत कक्षावार विद्यार्थी के अनुसार होगी तथा 11 के लिए वर्तमान सत्र के हिसाब से होगी। 1 से 3 तक की 100% नहीं दी जाएंगी जैसा कि आप सभी जानते हैं। 4 से 12 तक की पुस्तकें जो वर्तमान सत्र में संचालित हैं और आगामी सत्र में भी संचालित होगी, तो कुल मांग में से वर्तमान सत्र में विद्यार्थियों को वितरित कुल पुस्तकों की जो 50% पुस्तकें जो वापस जमा कर ली जाएंगी उनका वितरण आगामी सत्र में किया जाएगा। अब कक्षा 1 से 12 तक की जो पुस्तकें हैं वर्तमान सत्र में जो संचालित हैं तथा तो आगामी सत्र में भी संचालित होंगी, अवितरित नई पुस्तकों का स्टॉक कुल में से कम करके मांग जनरेट करना है। क्लास ग्रुप में हम 1 से 12 कर लेंगे और डिमांड है वो देख लेंगे। ये जो दोबारा से चेतावनी है कि 6 से 10 तक तो तृतीय भाषा है उसकी मैपिंग कर दें, और 11 से 12 में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है
उसकी मैपिंग कर दें और उसके बाद में ही जो डिमांड है वो भरें। तो यहाँ पर देखिए अनुमानित नामांकन है 7 और आगामी सत्र के लिए जो डिमांड है वो भी 7 है। तो यदि इसमें कुछ संशोधन हो तो वो कर दें और उसके बाद में लॉक स्कूल बुक डिमांड है ये सारे के सारे लॉक कर दें। एक बार पुस्तक की जो डिमांड है वो लॉक तब तक करा सकता है जब तक जो पीओ है वो अपनी मांग को लॉक नहीं करते। उसके बाद में ये 22-23 की जो मांग है ये अनलॉक नहीं हो पाएगी। तो ये सारी प्रोसेस थी स्कूल की मांग टेक्स्ट बुक की है वो जनरेट करने के लिए। यदि इस संबंध में कुछ क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।